वालेकुम अस्सलाम। आज आपने दीवान शरीफ अकोमोडेशन की सोसाइटी का विज़िट किया, तो आपको दीवान शरीफ सोसाइटी कैसी लगी? जी माशाल्लाह, अभी हम रास्ते में बहुत सारी सोसाइटीज़ के वस्त से गुजरते हुए आए हैं, तो हमने देखा है कि ये एक हब है सोसाइटीज़ का। तो यहाँ पे हमने आते हुए इन सोसाइटीज़ को भी देखा और अपनी सोसाइटी का भी जायज़ा लिया कि ये बिल्कुल इस पॉइंट पर है, यहाँ पे तमाम सोसाइटीज़ इसको टच करती है। और माशाल्लाह से इसकी अभी जो वर्किंग का काम शुरू है, हमने देखा है बहुत सारे नए प्लांट भी लग गए हैं। इससे पहले हमने विज़िट और भी बहुत सारे साथियों को हम यहाँ पे लेके आए और उनको गाइड किया है कि ये माशाल्लाह से तमाम सोसाइटीज़ से बेहतर हमें फ़ील हुई है, क्योंकि इसकी प्राइसेस काफ़ी बेहतर हैं उन सोसाइटीज़ के हवाले से। डाउन पेमेंट भी इसकी रीज़नेबल है और इसकी इंस्टॉलमेंट भी रीज़नेबल है। जो लो लेवल इनकम का बंदा है वो भी इसकी डाउन पेमेंट करके अपना प्लाट बआसानी हासिल कर सकता है। ये बताएं कि आपने कौन से शहर से ताल्लुक़ रखते हैं? जी मैं डिस्ट्रिक्ट बाग आज़ाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अब्दुल गफ़ार नाम है जी मेरा, बाग आज़ाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक है। तो आज तकरीबन तीसरी दफ़ा मैं यहाँ विज़िट के लिए आया हूँ और माशाल्लाह यहाँ पे चूँकि पहले जो दो दफ़ा मैं आया था तो इतनी डिवेलपमेंट नहीं थी, और आज जब मैं आया हूँ तो ख़ासा फ़र्क है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दो प्लाट यहाँ पे लिए हैं, पांच पांच मरला के, उनकी इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं। तो बाकी भी चूँकि अगर इस हवाले से बात करें तो दीवान शरीफ अकोमोडेशन एक बेहतरीन जो है वो रहायशी मनसूबा है, और ख़ास तौर पे जो जो हमारे लो लेवल के मिडिल क्लास जो तबका है उनके लिए ये एक बड़ा मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, चूँकि यहाँ इंस्टॉलमेंट्स भी बहुत रीज़नेबल हैं और फिर जो डाउन पेमेंट है वो भी बहुत ही रीज़नेबल है। तो मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ आएँ और जल्द अज़ जल्द अपना प्लाट बुक करवाएँ और इस मौके से फ़ायदा